दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज फिर से एक नई सुबह आपके सामने मैं एक नई सीरीज लेकर आ रहा हूँ, धन को आकर्षित करने के रहस्य भाग दो। दोस्तों आप सभी का मेरी चैनल पर स्वागत है। दोस्तों जब भी मैं बोलूं कि मेरी चैनल है तो ये चैनल मेरी नहीं है। जब हम मेरी और मैं ये दो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ना, तब हम हमारी ऊर्जा से बहुत दूर चले जाते हैं। हमारी ऊर्जा यानी हमारी सोल, जो हमारी अंतरात्मा होती है, तो ये सब कुछ हमसे ये सब करवाती है। ये इसलिए करवाती है ताकि समाज में जो लोग कुछ ऐसे दुखी लोग हैं कि जिनके पास धन पर्याप्त मात्रा में नहीं है या बहुत परेशान लोग हैं, तो इनके कल्याण के हेतु कई कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको यूनिवर्स चुनता है और उनके मन में वो भाव उत्पन्न करके कुछ भी करके वो व्यवस्था खड़ी करता है कि उसका मैसेज बाकी सभी लोगों तक पहुँचे। इसलिए यहाँ पर जब भी मैं बोलूँ मैं, तो ये मैं नहीं, मेरी ऊर्जा हूँ, मेरी ऊर्जा है और मैं हूँ ही नहीं, ये मेरी ऊर्जा ही मुझसे काम करवाती है। यानी मेरा बोला गया हर एक शब्द ये ब्रह्मांड से आने वाली वो किरण है जो आप लोगों तक एक संदेश के माध्यम से पहुँचना चाहती है। तो कृपया आप इसे जितना ध्यान से सुनेंगे उतना ही आपके जीवन में तरक्की, उन्नति, धन वैभव, मान सम्मान, एक निरोगी जीवन, सब कुछ आपके जीवन में आ सकता है। क्योंकि इसके जो शब्द है, ये शब्द हमारे धार्मिक पुस्तक जो होते हैं, जिसे हमने भगवद गीता कहा है, जिसे कुरान कहा है, जिसे बाइबल कहा है, वाहेगुरु ग्रंथ की किताब कहिए, ये उसी के शब्दों में से इसकी रचना हुई है, जिसको कहते हैं धन को आकर्षित करने का रहस्य। हर कोई आज तक इस रहस्य तक नहीं पहुंच पाया है। मैं आपको अभी एक रहस्य की बात बताने जा रहा हूँ। ये रहस्य की बात ये है कि जब बच्चे का जन्म होता है तभी से वो एक विपुल संपत्ति का मालिक बनता है। वो विपुल संपत्ति जो उसके हिस्से में है, और दुनिया के हर एक इंसान के पास, हर एक छोटे के बच्चे के पास भी वो विपुल संपत्ति उसकी खुद की भी है, लेकिन कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसकी वजह से वो विपुल संपत्ति उसके पास नहीं आती है, वो कहीं और चले जाती है। लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार फिर से कहता हूँ कि जब जन्म होता है तो इस प्रकृति के अंदर, इस धरती के अंदर इतना सारा खनिज छिपा हुआ है, इतनी सारी संपत्ति छिपी, इतनी सारी धन मिलकत छुपी हुई है कि अगर उसका मल्टीप्लाई किया जाए, अगर रकम से, यहाँ तक कि आज तक जितने भी लोगों का बैंक बैलेंस है या जितने भी लोगों की धन संपत्ति है, इसका मल्टीप्लाई अगर पैसों से किया जाए, और अगर आज जितनी भी ये आबादी हमारे भारत की 130 करोड़ की आबादी है, 125 करोड़ की आबादी है, इससे डिवाइड किया जाए तो हर एक व्यक्ति, हर एक सिर की बात कर रहा हूँ मैं, उसके खाते के अंदर 50 करोड़ रुपया होना ही चाहिए। इतनी संपत्ति उसकी है, खुद की है। और ये तो मैंने एक इंसान की बात की है कि घर का एक फैमिली मेंबर, तो घर के जितने भी फैमिली मेंबर है उनसे आप खुद की संपत्ति मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ऐसा क्यों है कि इतनी संपत्ति हमारे धरती के अंदर है, हमारे आसपास है, और सब कुछ हमको विपुल मात्रा में मिलता है। हम हवा विपुल मात्रा में मिलती है, हमें पानी भी विपुल मात्रा में मिलता है, सारे तत्व जो है हमें विपुल मात्रा में मिलते हैं। यहाँ तक कि हमारी जो आसपास हम मिट्टी देख रहे हैं, जो भी हम कंकर देख रहे हैं, जो भी प्रकृति की जो बीजे पेड़ पौधे देख रहे हैं, फल फलादि देख रहे हैं, सब कुछ विपुल मात्रा में।
आज प्रकृति का नियम है, एक बीज बोते हो तो कई गुना बढ़कर वो फल देता है। तो इधर यहाँ से आप समझ सकते हो मेरे दोस्तों कि प्रकृति कितना कुछ हमें देती है और कितना कुछ हमें सिखाती है। तो ऐसी कौन सी मिस्टेक हमसे होती है या ऐसी कौन सी चीज़ हमें नहीं पता जिसकी वजह से ये वो धन हमारे करीब नहीं आता है, जबकि हम इतने धन संपत्ति के खुद मालिक है। हर एक इंसान चाहे तो टाटा बिरला अंबानी बन सकता है इसी जन्म के अंदर, लेकिन वो सोच वो विचार क्यों नहीं आते हैं इनके अंदर। वो चीज़ जो है ना, मैंने मेरी पुस्तक चक्रव्यूह लिखी है उसके अंदर पूरा चक्रव्यूह कि इंसान का जन्म जहाँ से होता है और मृत्यु जहाँ पर होती है, यानी इंसान का जन्म एक हॉस्पिटल में हुआ है। आज एक टेक्नोलॉजी है उपलब्ध है कि लोगों को आसान लगता है कि मैं हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट लूँगा तो मेरी ट्रीटमेंट अच्छी होगी और मेरे बच्चे का जन्म भी अच्छी तरह से होगा। तो इंसान का जन्म चलो स्वाभाविक है कि हॉस्पिटल में हुआ, लेकिन मृत्यु हॉस्पिटल में क्यों होती है उसकी, तो वो कौन से रहस्य है? वो सारे के सारे रहस्य मेरे चक्रव्यूह की किताब में मैंने लिखे हुए हैं। अगर आप चाहो तो वो भी पढ़ सकते हो, मैं आपको लिंक दे दूँगा, ताकि अगर उस चक्रव्यूह में से आप बाहर आ गए ना तो ये विपुल संपत्ति जो है ये आपकी हो सकती है, आपके हिस्से में धन आ सकता है। मैं कुछ आंकड़े आपके लिए स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ। देखो, आपने मेरा कल ऑडियो सुना, आपको बहुत अच्छा लगा, आपने मुझे फ़ोन भी किए, काफ़ी सारे ऐसे दोस्तों ले जिन्होंने एक एक घंटा मुझसे बात की, सर आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हो और हमें इसकी वजह से हमारे अंदर जागृति आ रही है। तो मैंने उनसे कहा कि देखो यारो, आप आम नहीं हो, आप खास हो, लेकिन आपका इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन आप जब खुद का इस्तेमाल खुद आपकी तरक्की के लिए करना शुरू कर दोगे ना, तभी जाके वो धन आपके हाथ में आएगा। आप खुद ही अपने हिस्से का धन जब तक औरों के हाथ में दोगे, अपने खून पसीने की कमाई सुबह से शाम तक की जो सोचते हो जितनी मेहनत करते हो, तो आपके हिस्से में वो धन कहाँ से रहने वाला है। तो मैंने उनसे कहा कि मेरा ज्ञानदीप माइंड पावर एकेडमी जो है वहाँ पर आप आओगे तो ये सारे रहस्य मैं आपको और विस्तार से बता पाऊँगा और आपका धन मैं आपको आपकी जेब तक वापस ले पहुँचा भी सकता हूँ, इतनी क्षमता मुझ में है क्योंकि मैं उस पर काम कर रहा हूँ। तो वही चीज़ है, मैं कुछ आंकड़े आपसे क्लियर करना चाहता हूँ कि आप एक महीने का अंदाजित खर्च 6,000 रुपये करते हो और ये 6,000 रुपये का एक महीने का खर्च है आपका, आपकी आमदनी चाहे कितनी भी हो, लेकिन मैं मिनिमम खर्च की बात कर रहा हूँ जो एक आम इंसान इनकम करता है अपने खर्च का। तो 12 महीने का हुआ 72,000 खर्च। अब ये इंसान जो है उसकी जीवन की क्षमता 70 साल हम गिन लेते हैं, तो 70 साल तक उसका अगर गुणाकार करेंगे तो 50 लाख और 40,000 रुपया होगा। तो 50 लाख 40,000 रुपया वो 70 साल तक 6,000 से वो मल्टीपल अगर वो इतना खर्च करता है तो ये कहाँ से गरीब हुआ मुझे बोलो, चलो कौन से एंगल से ये गरीब है कि कौन से एंगल से ये इंसान मध्यम वर्गीय है जब 50 लाख 40,000 रुपया 70 साल में ये खर्च कर रहा है। अभी मैं आपको और एक पहलू के तरफ ले जा रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि जो खर्च किया है इसमें इनको जो भी चीज़ मिली है तो वो चीज़ मिली है तो वो चीज़ों की जो कॉस्ट वैल्यू होती है वो सिर्फ 40 या 30% होती है। तो मैंने अंदाज निकाला है कि 40% की कॉस्ट वैल्यू से गिना जाए तो सिर्फ 20 लाख और 16,000 रुपये इन्हें खर्च करने थे और इन्होंने खर्च कर दिए 50 लाख 40,000 रुपये, यानी जो बीच का मुनाफा था 30 लाख 24,000 रुपये का, तो ये तो इन्होंने प्रॉफिट दे दिया। ये उन व्यवस्थाओं को प्रॉफिट दिया है जिन व्यवस्थाओं की इन्हें जरूरत पड़ती है, सभी को जरूरत पड़ती है, यानी हम लोग मुनाफा दे रहे हैं हमारे जीवन का। अभी ऐसे में एक घर की बात कर रहा हूँ, ये एक सदस्य की बात कर रहा हूँ, एक मेंबर घर की बात कर रहा हूँ मैं। तो ऐसे 130 करोड़ घर है हमारे इंडिया के अंदर जो कम से कम 50-60 साल तक तो जीते ही है, और ये एक ऐसी बात नहीं है 50-60 साल तक जीने वाली बात नहीं है। हम जो सिखा रहे हैं हमारे बच्चों को वो बच्चे भी वही सीख रहे हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में कोई नया प्रोग्राम हम नया डालने के लिए तैयार कभी होते ही नहीं है, क्योंकि होता यूँ है हमारे साथ कि एक जैसी मूर्ति बन गई है।
तो ये मूर्ति बनाने के लिए एक सांचे की जरूरत पड़ती है, और एक ही तरह का सांचा है जहाँ हम कच्ची मिट्टी डालते हैं और वही प्रतिमा खड़ी हो जाती है। तो बस वैसे ही हमारा जो दिमाग होता है, हमारा जो मन होता है, उसको एक ही सांचे में ढाल दिया है, यानी एक ही तरह के विचार हमारे अंदर सभी के अंदर प्रवर्तित हो गए, और इसकी वजह से हमारे जो जीवन में जिस धन जो धन हम लोग खर्च करते हैं, और उस धन को खर्च करने को हम अगर आवक का जरिया बनाने के बारे में नहीं सोचेंगे, तो ये वो सांचा है जहाँ हम ढल गए, जहाँ सिर्फ धन जाना ही जाना है और पीढ़ियों तक ये सिलसिला चलने वाला है। समय जाते हुए धन की वृद्धि इसलिए नहीं होती क्योंकि हमारे अंदर सीखने की लगन की कमी भी महसूस होती। हम नई चीज सीखना नहीं चाहते क्योंकि हमें इतना पता है कि हमने जितना सीख लिया है उसी में से हम जितना कमा लेंगे, उतने में ही हमारी जीवन की जो नैया है वो पार हो जाएगी। क्योंकि दिमाग को भी कहीं ना कहीं रोक लिया ये सिस्टम ने। यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके आसपास जितनी भी सुविधाएं आज की इस तारीख में, टीवी है, न्यूज़ चैनल है, मीडिया है, मोबाइल है, इनसे आपको क्या सीखने मिलता है और आपको क्या जानकारी इतनी अच्छी मिलती है कि आपका कितना ग्रोथ होता है, उससे आपको उसके होने वाले लाभों को अपने पेपर पर लिखना है। जो भी कुछ आप देख रहे हो, जो भी इंफॉर्मेशन आप देख रहे हो, कि जो भी आपके जीवन के अंदर जिन लोगों ने भी आपको कोई इंफॉर्मेशन दी है, इससे कितना लाभ हुआ है, कोई भी तरह की माहिती से, वो सारे के सारे लाभ आपको आपकी उन्नति के लिए क्या उपयोगी है या नहीं है, वो आपको सिर्फ एक पेपर पर लिखना है। अगर आप ऐसा कर पाते हो तो पता चल जाएगा आपको कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ या क्या गलत कर रहा हूँ, यही पता चल जाएगा। तो मेरी जो ये ऑडियो सीरीज है उसका जो मूल ध्येय है आपकी जेब में वो धन लाने का जो प्रकृति ने आपके लिए रचा गया है, तो वो एक अंश तक सफल हो जाएगा। क्योंकि मैं एक चीज पहले ही आपको कहता हूँ और अभी भी आपसे कहूँगा कि 80% माइंड सेट चाहिए हमारा। जैसे एक लड़का एक लड़की की लड़की को ढूंढने के लिए निकलता है, उसको शादी करनी होती है, जैसे बहुत तलब होती है उसको, मेरी शादी का वक्त आ गया, मैं 22-23 साल का हो गया हूँ, मुझे अब परिवार के लिए एक लड़की चाहिए, तो मन में जिस तरह गठबंधन बांध लेता है ना कि मुझे लड़की चाहिए, लड़की चाहिए, लड़की चाहिए शादी के लिए, तो वो 80% माइंड सेट उसका होता है एक लड़की के। जैसे कि जॉब ढूंढनी है आपको, तो जॉब के लिए भी आपका 80% माइंड सेट होता है। तो ये 80% माइंड सेट जो होता है ना दोस्तों, तो 20% व्यवस्था तो आपका समाज ही कर देता है आपके लिए। आपको कोई मंडप बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको कोई खाना पकाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ना ही आपको कोई और व्यवस्था करने की जरूरत पड़ती है। आपने सिर्फ लड़की देख ली, आपको लड़की अच्छी लग गई, परिवार वालों ने हाँ कर दिया और एक कुंडली उंडली दिखा दी और आपका काम हो गया, आपकी शादी हो गई। क्या शादी करने के लिए अपने बाकी तैयारी पर क्या आपने ध्यान दिया था, याद करें उस पल को, या अपने माता पिता के आपके माता पिता ने ध्यान दिया था, आपके समाज के लोगों ने ध्यान दिया था, या आपके रिश्तेदारों ने ध्यान दिया था। आसपास का वातावरण वो रचना कर देता है, 20% रचना वो करता है, 80% माइंड सेट आपका होता है। वैसे ही जॉब ढूंढने के लिए होता है, वैसे ही जीवन की हर चीज़ पाने के लिए वही सिद्धांत काम करता है। तो वही चीज मैं आपको बोलता हूँ दोस्तों, कि अगर धन को आप अपने करीब लाना चाहते हो तो आपको धन के करीब जाना पड़ेगा, धन के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि जिस चीज के बारे में आप सोचते हो तो वही चीज ज्यादा तीव्र हो जाती है हमारे जीवन के अंदर, और यही प्रकृति का सिद्धांत है। आप जब तक एक बीज रोपोगे नहीं तब तक वृक्ष बनेगा नहीं। इसको कहते हैं ब्रह्मांड का वो नियम, द रिपेल ऑफ सोइंग, कि जैसे आप बीज बोते हो तो वैसे ही पेड़ आपके सामने बन जाता है। तो मैंने यहाँ बात की थी कुछ आंकड़ों की, तब सोचो कि 30,24,000 रुपया आप अपनी जेब से जाने देते हो पूरी जिंदगी का, और इससे भी अधिक होगा। मैंने तो कम आंकड़ा बोला 6,000 रुपये का, इससे भी अधिक आंकड़ा हो सकता है,
क्योंकि इनकम का खर्च 6000 तक पूरा नहीं होता, 10 से 15 हज़ार रुपये खर्च होता है हर महीने का। तो मैं ये सोचता हूँ कि कहाँ से गरीब गरीब हुआ और कहाँ से मध्यम वर्ग हुआ। तो जब तक आप इस पुस्तक को सुनोगे नहीं पूरी तरह, तब तक आप अपने दिमाग के भेद तक पहुँच पाओगे नहीं। तो मेरा एक ही आपसे विनंती है कि आप मेरी सीरीज को ध्यान से सुने, क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर वो धन किस तरह आपके पास आए वही सारी मार्ग मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। और मैं खुद उस मार्ग पर चल पड़ा हूँ और मेरे साथ काफ़ी सारे दोस्त। क्योंकि देखो क्या होता है कि जीवन में हमें सिर्फ व्यवस्था करनी होती है, हमारे अकेले के लिए नहीं व्यवस्था करनी होती है, ये व्यवस्था सभी के लिए। अब सारी व्यवस्थाएं मौजूद है धन जाने के लिए, तो कोई ऐसी व्यवस्था क्यों ना हो धन आने के लिए। तो करना कुछ नहीं है, जहाँ से धन आने का मार्ग दिखाई दे रहा हो उसी धन के मार्ग से जुड़ जाना है। करना कुछ नहीं है, सिर्फ दिमाग चलाना है, हमें कोई उसमें शारीरिक श्रम करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि पूरी ज़िंदगी इस शरीर से कितना कमा सकते ये सोचते, लेकिन ये दिमाग से कितना कमा सकते ये कभी नहीं सोचते। क्योंकि दिमाग है ना, असीमित क्षमताओं से भरा हुआ दिमाग है। जितना आप दिमाग के बारे में सोचोगे उतना ही दिमाग आपका आगे आपको इनकम जनरेट करके देगा। तो आज के लिए इतना बहुत है। मेरी इच्छा है कि आप ये जो ऑडियो है इसको आप जितना शेयर करोगे तो उतने दोस्त आपके जीवन में आपके और बढ़ेंगे और बनेंगे। तो जितने भी दोस्त आपके नए बढ़ेंगे, तो मैंने एक आंकड़ा और मैंने नक्की किया है कि 1000 लोग चाहिए आपके जीवन की उन्नति के लिए, सिर्फ 1000 लोग। 1000 लोग अगर 100 रुपया भी इन्वेस्ट करते हैं आपके पीछे, 100 रुपये जितना वक्त भी इन्वेस्ट करते हैं ना आपके पीछे, तो भी आप 5 साल के अंदर सबसे ज़्यादा रुपये कमाने वाले इंसान हो जाओगे। इतने सबसे ज़्यादा आप जब सोओगे ना तभी भी धन आएगा, आप जागोगे तभी भी धन आएगा, आप करोगे या काम या ना करो तभी भी धन आएगा। वो ब्रिज मैंने बना दिया है। तो जितना हो सके उतना ये वीडियो जो है, ये मेरी ऑडियो जो है, वो आपको शेयर करनी है। क्योंकि जब आप शेयर करोगे ना तभी जाके आपके ग्रुप और आपके चैनल खुद की बनेगी। आपको समझना है सिर्फ चीज़ों को कि मैं किस तरह कर रहा हूँ ये सब काम, और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझसे मेरे परमात्मा बैठकर ये सब काम करवा रहे हैं। तो उस परमात्मा की आवाज़ें सुनकर आपको सिर्फ अपने आप को आगे लाना है। क्योंकि जब तक आप अपने आप को आगे नहीं लाओगे तब तक कभी आप खुद नहीं आगे आ सकते। तो कृपया आपको इस ऑडियो को अच्छा लगा हो आज का तो लाइक करना, कमेंट्स तो देखो ज़रूर करना है, क्योंकि कमेंट्स करने से क्या होगा कि मोटिवेट होंगे हम लोग। हम खुद अपने आप को मोटिवेट नहीं कर सकते तो दूसरों को कैसे मोटिवेट कर सकेंगे। तो खुद को भी मोटिवेट करना है कि नहीं मैं 80% माइंडसेट मेरा है, मैं तैयार हूँ, ये आपको करना है। और तीसरा, शेयर करोगे तो आपका खुद का ग्रुप बन जाएगा, क्योंकि वो खुद की आपकी शेयरिंग होगी। क्योंकि इस वीडियो को जितना मैं चाहता हूँ कि उतना वायरल करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि वहीं से आपका धन का बीज, जो मैंने बोला था द रिपेल ऑफ स्वाइंग ब्रह्मांड का नियम है, वो यहाँ पर आपका लागू हो जाएगा कि आपने बीज बो दिया। अगर आपने बीज बो दिया है तो प्रकृति आपके हिस्से का धन देने के लिए तैयार हो गई है। अगर मान लो कहीं ना कहीं आप रोक रहे हो, आपके मन के अंदर रावण कंस या वो शकुनी आ रहा है, तो समझ लो कि वो बीज जो रोक दिया है ना कभी नहीं उगने वाला है, यानी सब कहा सुना व्यर्थ जाने वाला है। तो कृपया अपने आप पर भरोसा रखें, पहला भरोसा अपने आप पर। दुनिया बना रही है हमें करोड़पति, लेकिन जब तक हम बनना नहीं चाहे ना तब तक हम कुछ नहीं बन सकते। तो वो सिद्धांत आप लागू करो अपने जीवन पे और तरक्की करो, और मेरी आने वाली सीरीज का इंतज़ार करो। हर रोज़ एक नई सीरीज मेरी आएगी, और मैंने जो पुस्तकें लिखी है, जो मैं आपको लिंक में दे रहा हूँ पुस्तक, वो पुस्तक भी आप पढ़ें। ये पुस्तक नहीं है, एक तरफ की प्राण प्रतिष्ठा है, हमारी खुद की प्राण प्रतिष्ठा। हम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं मंदिर के अंदर, लेकिन खुद की प्राण प्रतिष्ठा करना भूल जाते हैं। तो खुद की प्राण प्रतिष्ठा का चार्जिंग जो है वो उस पुस्तकों में से आपको मिल जाएगा। और मान लो
लेने की आलस है समझो या लेने का नहीं विचार है, तो आप मेरी सिर्फ ऑडियो सुन लोगे और इसको शेयर कर दोगे ना, तो भी वो सब कुछ आपको मिल जाएगा जो आपको चाहिए। तो धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, आभार। जितने आप मेरी उस ऑडियो पर बने रहोगे उतनी आपकी धन में वृद्धि आती रहेगी। मैं चाहता हूँ कि पूरी समग्र सृष्टि, समग्र विश्व के अंदर जितने भी लोग हो, उस सब के सब धनिक बने। उस रचना के जो हिस्सेदार है, जो ब्रह्मांड की रचना के जो हिस्सेदार है, जो उनके हिस्से का धन है, वो सभी को मिले। करना कुछ नहीं है, सिर्फ उस ब्रिज पर चलना है, सिर्फ उस ब्रिज। आपको अगर मेरे काम देखने हो तो मेरी बाकी चैनल, बाकी जो मेरी यूट्यूब के अंदर लिंक है, जो वीडियो आप देख सकते हो, कि मैं कितने सालों से इस काम के पीछे हाथ धोकर पड़ा हूँ। मुझे सत्य तक पहुँचना था, जिस सत्य तक मैं खुद तड़प रहा था जाने के लिए, मुझे सारे मार्ग मिल गए।